जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज आपको स्क्रीन के ऊपर सूप नज़र आ रहा है, और ये सूप है चिकन वेजिटेबल स्वीट एंड सॉल हॉट एंड सॉल सूप है ये। और इसको मैं अभी आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने ये सूप थोड़ा सा डाला है, बाकी तो मैं टेबल पर जाके खाऊंगा ही, लेकिन ये आपके लिए ये मुझे ट्राई करना है। इसके अंदर ये हमने मिर्चें जो हैं वो काट के सिरके के अंदर डाल रखी हैं, ये भी आप इसके अंदर शामिल करें। थोड़ी सी सोया सॉस डालें, और जो जो आप इसको बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सोया सॉस और चिली सॉस और नमक, ये आप इसके अंदर ऐड करके इसको ज़रूर चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा। तो आइए देखते हैं कि ये बनता कैसे है, गर्मा गर्म है और ये बनता कैसे है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बड़ी कलरफुल आज आपको वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं, साथ चिकन भी नज़र आ रहा है, प्याज भी नज़र आ रहा है, लहसुन भी नज़र आ रहा है। तो माशाल्लाह से समझ तो आप गए होंगे कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बूझ लिया है, और आज हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल हॉट एंड सॉर सूप। उसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया, तकरीबन ये हाफ के जी की चिकन है, और ये वो चिकन है जिसको आप जब घर लेकर आते हैं तो आप उसमें से कुछ ये वाले पीसेस जो होते हैं गर्दन के और इसके बैक के जो पीसेस होते हैं वो आप निकाल देते हैं। ये वो वाली चिकन है, इसमें तकरीबन 2 से 3 पीस ही वो पड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये हमारे पास बोनलेस चिकन भी पड़ी हुई है। कुल मिला के ये 500 ग्राम्स चिकन, 500 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसका हम बनाएंगे सूप। अब ये चिकन इस्तेमाल करने की वजह सबसे बड़ी ये है कि इसके अंदर हड्डियाँ होती हैं, और हड्डियों का जो सूप निकलता है वो इसके टेस्ट को दुबाला कर देता है। उसके साथ साथ हम इसके अंदर एक एनहांस करने के लिए, इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए हम इसके अंदर एक चिकन क्यूब भी डाल रहे हैं। और जब हम स्टॉक बना रहे होंगे तो हम उसके अंदर एक प्याज मैंने ले लिया है, 3 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं, और उसके अलावा मैंने काली मिर्च ले ली है। इसको हम इसका स्टॉक बना लेंगे, और इसके बाद ये चीज़ें हम डिस्कार्ड कर देंगे जब ये हो जाएंगी। लेकिन ये जब डिस्कार्ड करने से पहले नहीं डालेंगे, ये चीज़ें जब डिस्कार्ड हो जाएंगी तो जो सूप बाकी बचेगा उसके अंदर हम ये डालेंगे, ताकि ये इसका एक ज़रा सा भी फ्लेवर ज़ाया ना हो। तो सब्जियां आपने अपनी चॉइस पर ले ली हैं, जो मैंने ली हैं वो आप देख रहे हैं कि ग्रीन पीस हैं 1 कप हैं, मटर पोटैटोज हैं, और ये डाइस कटे हुए हैं और ये भी 1 कप हैं। ये गाजर मैंने ले ली है, गाजर आप जूलियन काट लें, और ये भी 1 कप है। बंद गोभी ले ली है, लेटस ये भी मैंने जो है ये 1 कप ले ली है, कॉर्न ले लिए हैं 1 कप। इसके अलावा जो हमारे पास सॉसेस जाने वाली हैं वो हैं, सोया सॉस जाएगी इसके अंदर, चिली सॉस जाएगी, और इसके अंदर वाइनेगर, वाइट वाइनेगर जाएगा, और इसके अलावा जो चीज़ यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही वो है चिली गार्लिक सॉस। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक बड़े पतीले के अंदर ये 2 लीटर पानी जो है, ये अभी 1 लीटर है, 1 लीटर हम इसके अंदर और डालेंगे। उसके अंदर हमने ये चिकन हमने डालकर, थोड़ा सा नमक डालकर, और ये वाली चीज़ें डालकर, इसके अलावा हमने इसका स्टॉक तैयार कर लेना है। तो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने 2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत मामूली सा ज़्यादा इसके अंदर पानी डाल दिया, ताकि ये जब ये स्टीम आउट हो जाए तो ये 2 लीटर मेरे पास पानी रह जाए। सबसे पहले मैं इसके अंदर काली मिर्च डाल देता हूँ, ये प्याज डाल देता हूँ, और अदरक बिल्कुल को कूटने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही डाल देना है आपने, और ये लहसुन भी ऐसे ही डाल देना है। इसको कवर करके, हाफ कवर करके इसको आप इसका स्टॉक बनने दें। जी व्यूअर्स, तो स्टॉक हमारा तैयार है, क्या करते हैं इसको ड्रेन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने इसको ड्रेन कर लिया सारा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जो सूप था वो मैंने सारा उसको स्ट्रेन कर लिया,
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो शुरू हो जाएगा। ये देखें कि मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा मक्खन, तकरीबन 1 टीस्पून आप कह लें मैंने इसके अंदर मक्खन डाल दिया है। और मक्खन डालने के बाद जितनी भी मेरे पास इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं वो हम इसके अंदर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारी आप जो हैं वो एक साथ में ही इसके अंदर डाल दें। ये लीजिए, और इसको थोड़ा सा स्टीर फ्राई करें, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्यूअर्स आप ये देखते हैं कितनी कलरफुल वेजिटेबल्स हमारी लग रही हैं और ये सोते भी हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर अपना जो सूप स्टॉक है वो इसके अंदर डाल देते हैं। और साथ साथ हम इसके अंदर जो हमारे पास एक क्यूब थी स्टॉक की वो भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ये चिकन स्टॉक की क्यूब है, ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं, इससे जो फ्लेवर है वो बहुत एनहांस हो जाएगा। ये लीजिए, और इसको हम बॉईल करने के लिए छोड़ देते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, मैं इसके अंदर अभी एक दो चीज़ें और भी डाल देता हूँ साथ ही। सोया सॉस ये तकरीबन हमने 2 to 3 tablespoons डाल देनी है। वाइट विनेगर जाएगा इसके अंदर उतना ही जितना हमने इसके अंदर सोया सॉस डाली है। और चिल्ली सॉस है मेरे पास, वो थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि नाम एम्प्लाइज के ये हॉट एंड सॉर है। तो ये लीजिए, मैंने इसको ये भर के ये चम्मच डाल दिया है ताकि ये थोड़ी सी हॉट भी हो जाए। और अगर आपने मज़ीद भी हॉट करनी है तो इसके अंदर इसको मज़ीद भी ऐड किया जा सकता है, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि हमारी जितनी भी सॉसेज होती हैं उनके अंदर सॉल्ट पहले से मौजूद होते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट और काली मिर्च डालेंगे इसके अंदर पिसी हुई। और ये व्यूअर्स मैंने डाल दी इसके अंदर श्रेडेड चिकन, ये मैंने इसको बिल्कुल रेशा रेशा कर दिया है। अब इसी के साथ इसको बॉयल आने दें और मैं इसके अंदर डालूंगा नमक। नमक याद रहे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपने पहले थोड़ा डालना है, फिर अगर आपका वो बैलेंस नहीं आता उसका तो सॉल्ट का और मिर्चों का, तो आपने इसके अंदर फिर मज़ीद ऐड कर देना है। वहाँ पर हमने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया है, ब्लैक पेपर डालनी है आपने पाउडर फॉर्म में, वो भी मैं डाल देता हूँ आपके सामने ही। ये लीजिए व्यूअर्स, ये मैंने ये भी डाल दी, इसको अच्छा सा हॉट भी करना है आपने ताकि ये पता लगे कि आप सूप पी रहे हैं। इतनी देर में अब ये सब्जियां भी गल जाएंगी। थोड़ा सा पानी अगर आप और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी जिसको कह सकते हैं आपके सब्जियों के गलने का हक इसको अदा करना है अभी, तो वो आप उस ये डाल सकते हैं इसके अंदर, अदरवाइज़ मेरे हिसाब में ये ठीक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो व्यूअर्स हमारा सूप तैयार हो चुका है, सिर्फ अब उसकी कंसिस्टेंसी को हमने थोड़ा सा करना है सूप जैसा। और तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 1/2 cup वाटर ले लेंगे और उसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर डाल के, और आपको ये जितना भी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी उसके अंदर आप उसको मिला दें। ये देखिए ये फटाफट से इसके अंदर घुल मिल गया है। और उसके बाद इसको घोलने के बाद हम इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि आपने इसके साथ साथ उसके अंदर चम्मच ज़रूर चलाते रहना है, ये ना हो कि वो कॉर्नफ्लोर जो है वो नीचे बैठ जाए और वो लगना शुरू हो जाए। तो आइए चूल्हे की तरफ चलते हैं, और साथ ही मैं अंडा भी फेंट लेता हूँ। और अंडा फेंटने के बाद पहले हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और बाद में अंडा डालेंगे। अंडा 1 से 2 भी लग सकते हैं, ये भी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है और उसकी अपीरेंस पर डिपेंड करता है कि कितना हम अंडे डालेंगे। इसको अच्छी तरह से फेंट लेना आपने अंडे को। जी तो व्यूअर्स आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा सा कलरफुल सा सूप तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालते हैं कॉर्नफ्लोर,
आराम से आप इसके अंदर डाल दें। देखें आपने कोई लम्स नहीं है इसके अंदर, और इसको देखें कि कितना आपको गाढ़ा इसको चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल इस वक्त परफेक्टली कुक्ड हो चुका है। इसके अंदर आपको मज़ीद कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अंडा हम डालेंगे, जैसे ही इसको हल्का सा उबाल आ जाएगा हम इसके अंदर अंडा डाल देंगे, और अंडा डालने के बाद हम इसको इतना करेंगे कि अंडा इसके अंदर पक जाए, कच्चा ना रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस स्टेज पर हम आके इसके ऊपर अंडा डाल देंगे, ज़रा पतली सी धार बना के, और इसको मुसलसल साथ साथ हिलाते जाएंगे। माशाल्लाह से देख रहे हैं आप कि कितना ज़बरदस्त इसकी अपीरेंस लग रही है, और बिल्कुल अभी ये रेडी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर फाइनली हमारा ये सूप तैयार है। ये चिकन वेजिटेबल हॉट एंड सोर सूप था, ये तैयार हो चुका है। चूँकि सर्दी बहुत शदीद है, इस वजह से मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सिर्फ आपसे अल्लाह हाफिज़ चाहूँगा, और आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, और मुझे नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।